चल रहा है भारतीय किसान यूनियन का गन्ना पेमेंट को लेकर, क्या आगे का रणनीति है? देखो आगे की रणनीति ये है, रात भी शुगर फैक्ट्री वाले प्रशासन आया था, हमने उनको साफ कह दिया गन्ना भुगतान चाहिए। मुजफ्फरनगर में जब सारी चीजें मुजफ्फरनगर पहल कर रहा, मील चलाने में सबसे नंबर एक पर रहेगा, दंगे करवाने में सबसे नंबर एक पर रहेगा, किसी की लड़ाई भिड़ाई कहीं हो उसका मुकदमा निपटाने में नंबर एक पर रहेगा, तो भाई गन्ना भुगतान करने में भी नंबर एक पर ही रहेगा ये मुजफ्फरनगर। आंदोलन की शुरुआत यहाँ से है और हम सबके पीछे रहे, इनको पैसे देने पड़ेंगे, हम इनकी जो डिस्टरियाँ हैं वो बंद करेंगे हम 7 तारीख से, ठीक है जी, 7 तारीख इसमें 5 तारीख में, 5 तारीख में इनकी डिस्टरी बंद होगी, इनकी 3 शुगर फैक्ट्री और डिस्टरी है यहाँ पे, उनको बंद करेंगे और वहाँ से आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। 7 तारीख में जो शिव चौक है उसके आसपास पूर्ण रूप से किसानों का जमावड़ा रहेगा ट्रैक्टर का, और वहाँ पे बीच में हम रहेंगे, वहाँ पे धरना यहाँ बदस्तूर जारी रहेगा। धरने के साथ साथ वहाँ शिव चौक जाम, शिव चौक पर पूरा जाम क्या करेंगे, जाम तो प्रशासन का काम है, हम तो आवेंगे वहाँ पे। अच्छा चौधरी साहब, ये आप एक बात बताइए, लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, ये दीघा मस्ती कब तक चलेगी गन्ना पेमेंट की? ये तो भैया ये तो अधिकारी सरकार बता सकते हैं, यहाँ का गन्ना मंत्री बता होगा। अच्छा गन्ना मंत्री भी आज तक आप लोगों के बीच में नहीं आए? ना गन्ना मंत्री तो बाहर रह गई, कहते हुए रहता ही नहीं। हाँ क्या हल निकलेगा? हल उम्मीद है भाई, देश को आजाद होने में 90 वर्ष लगे तो हल तो निकल जाएगा, अभी तो 7 ही दिन हुए, 41 दिन का कोर्स है इनका, वो ये लेंगे। हाँ अब की बार आर पार की लड़ाई की, आर आर पार के हम का घर जा रहे, जितना दम होगा इतना लड़ेंगे। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन